हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गलके की सब्ज़ी। ये हम लोग दाल के साथ बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये मैंने लिया है आधा किलो गलका, ये बिल्कुल फ्रेश है, मैं इसको फ्रिज से अभी निकाली हूँ। अब चलिए इसको छील के हम लोग कट करते हैं। पहले ऊपर से हम लोग ये छिलका निकाल लेंगे पूरा चारों तरफ से। देखिए ये हमारे सारे गलके अच्छे से छिल गए हैं, चलिए इसको कट करते हैं। देखिए हमने सारे गलके इसको कट कर लिए हैं, इसको ऐसे ही बीच से कट करके इसको आधे आधे शेप में मैंने काटा है। चलिए सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए ये हमारा गलका है, अच्छे से धो लिए हैं हम लोग इसको। ये एक बड़ी कटोरी है राहल दाल की, मैंने इसको लिया है, इसको धोएंगे अभी। दो टमाटर, दो प्याज और हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, कड़ी पत्ता है तेज पत्ता, और ये दालचीनी थोड़ा सा, और ये जो आम का खुला बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसे ही सुखा के रखते हैं आम को गर्मियों के मौसम में, और थोड़ा सा इमली। और ये मैंने लिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, ये भीगा हुआ है। देखिए मैंने कुकर चढ़ा लिया है, अब इसमें थोड़ा सा एक छोटे चम्मच तेल डाल देती हूँ, तेल को गर्म होने देते हैं, तब तक हम लोग और सब्जियाँ सब कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं, लहसुन मिला देते हैं। देखिए तीन से चार कली ये लहसुन मैंने इसको कूट दिया है, इसमें डाल देते हैं। इसको फ्लेवर के लिए डाली हूँ मैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मैंने चार मिर्ची ली थी, उसमें से दो मिर्ची कट करके डाल देती हूँ। दालचीनी, तेज पत्ती, आम का सूखा हुआ, आम का खुला, इसको भी डाल दिए हैं। थोड़ी सी इमली, मैं टेस्ट चेंज करने के लिए हल्का सा इमली डाल रही हूँ इसमें, जैसे हमारी दाल सादी सादी जैसे लगती है वैसे भी लगेगी। कड़ी पत्ता, देखिए हम दाल को अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसका डस्ट पूरा निकल जाए। अच्छे भी ऐड कर देते हैं, तो दाल को भून लेंगे हम लोग। इसमें मैं एक छोटे चम्मच तेल और डाल देती हूँ, इसको अच्छे से भूनने देते हैं। ताकि हमारा दाल गले और अच्छा टेस्ट आए भूनने के बाद। देखिए टमाटर भी कट कर लिया है मैंने, इसको हम लोग डाल देते हैं इसमें। ये हम लोग गलका भी ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसमें दाल का कच्चापन तो चला गया है, बस सब्जियाँ ही थोड़ी कच्ची है, ये गलने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और नमक दो चम्मच डालूंगी मैं, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला। ये केसरी गरम मसाला है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो मैं आधा चम्मच ऐड कर दूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलिए इसको मिक्स कर लेती हूँ, ये अच्छे से भून गया है। चलिए हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं, इसमें करीबन ढाई गिलास पानी डाली हूँ मैं, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, लेकिन हमें गाढ़ी दाल चाहिए। चलिए हो गया है, हम लोग ढक्कन ढक देते हैं, तीन से चार सीटी होगा, उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे गैस को। अभी इस दाल का प्रोसेस थोड़ा बचा हुआ है, जैसे ही दाल गलेगी वैसे ही हम लोग प्याज को कटिंग करेंगे और इसको कढ़ाई में भूनेंगे। ये दो लहसुन, थोड़ा सा हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ही मैं बचा के रखी हूँ। चलिए दाल गलता है, तब तक हम लोग वेट करते हैं और इसको कटिंग करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल डाल दिया है इसमें थोड़ा सा, ये लहसुन है जो बचा हुआ था उसको डाल देते हैं हम लोग। कुकर है हमारा, चार सीटी के बाद मैंने इसको उतार दिया था, ठंडा हो गया है। चलिए देखते हैं खोल के, ये हमारी सब्जी है दाल के साथ पूरी पक गई है। प्याज, दो प्याज था, इसको कटिंग करके मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, मैंने इस चॉपर का यूज़ किया है।
देखिए कड़ी पत्ता बचा था उसको डाल देते हैं। थोड़ी सी मैं लाल मिर्च इसमें डाल देती हूँ। ये प्याज अच्छे से इसको भूनते हैं, ऐसा कच्चापन तब तक चला जाए जब तक भूनेंगे। हल्का सा नमक डाल लेते हैं ताकि ये जल्दी पके। चलिए इसको अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं। ये दाल की गलाते हैं हम लोग ये इससे। ये प्याज का हमारा कच्चापन चला गया है, इसको 2 मिनट के लिए और भूनते हैं, बस हो जाएगा फिर। चलिए हमारा प्याज हो गया है। हम लोग ये कुकर का जो सब्जी है उसको डाल देते हैं। देखिएगा हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनी है। दाल के साथ जो गलकर बनाई हूँ मैं, इसमें आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो सब्जी वैसे ही ऑलरेडी ऐड है और दाल भी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने फ्लेवर इसका चेंज करने के लिए इमली है और डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा चीज़ें यूज़ की है। चलिए इसको एक उबाल आने देते हैं। देखिए हल्का सा उबाल आ गया है। चलिए इसमें धनिया पत्ती ऐड करते हैं, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। देखिए हमारा ये दाल है, गलका दाल, इसकी ग्रेवी भी अच्छी गाढ़ी है। ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। चलिए हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए हमारे गलका दाल की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी रेसिपी आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है ये। और बताइए मेरा वीडियो कैसे लगा है। ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।